मैथ की किसी भी ब्रांच के अंदर उस मैथ्स पे मौजूद थ्योरम बड़ा एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है जब से हमने लिमिट स्टार्ट किया और लिमिट के अंदर हमने डिफरेंट थ्योरम्स को देखा जिस थ्योरम ने क्रिटिकल प्रॉब्लम को विथ ईज सॉल्व करके दिया मैं फाद हुसैन हूँ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो देख रहे हैं जबकि हमारा कोर्स टाइटल एंड टिग्रोमेट्रिक का है इस सेशन पर हम जानेंगे कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है रियाजा वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली और अपकमिंग वीडियोस तमाम मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है फादोस एंड सी सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे इसके प्ले पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट स्प्लेन्स की वीडियोज़ मौजूद है विद ईजी ने वॉच किया जा सकता है जबकि इन वीडियोज़ पर इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल इन प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद उस एस ब्लॉग एक्सपर्ट डॉट कॉम पर हैं तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर्वक आसानी के साथ आप सीखते रहें सो द फर्स्ट थिंग कि हमें इस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि एक्चुअली इंटरमीडिएट थ्योरम से मुराद क्या है सो इफ़ एफ इज़ अ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें इंटरवल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और मैं सेपरेट वीडियो में क्लोज एंड ओपन इंटरवल्स के हवाले से तफसीला बात कर चुका हूँ तो क्लोज इंटरवल का मतलब यह है कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू होगी वो भी रेंज में इंक्लूड होगी सो f एक कंटिन्यूस फंक्शन uh, है जो कि क्लोज इंटरवल a और b को फॉलो कर रहा है जबकि f ऑफ a

क्या मतलब हुआ इस थीरम्स से क्या हमने चीजों को अंडरस्टैंड किया इस चीज को हम कोजुलाइजेशन पे देखते हैं आई एम गोइंग टू जूम इट अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये इस तरह से एक कर्व है और इस कर्व के अंदर क्लोज इंटरवल दिखाया जा रहा है अगर मैं क्लोज इंटरवल को फर्स्टली शो करूं तो ये रहा एक इंटरवल और उसके बाद है हमारे पास ये सेकंड इंटरवल जो क्वेश्चन में ए और बी से रिप्रेजेंट हो रहा था ठीक है तो ये देखो यहाँ पर ए लिखा हुआ है और यहाँ पर बी लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल के लिए लार्ज ब्रैकेट बनाया गया है ठीक है अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ये सी वन है मीन कॉस्ट्रम वन वैल्यूज ठीक है और इस बेस पर हमें एक वैल्यूज मिल रही है यहाँ पर एफ एफ ए और इसी तरह सेकंड वैल्यूज पर हमें वैल्यूज मिल रही है एफ ऑफ बी ठीक है अब जब हम मुझे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यूज मिल गई जो कि नॉट इक्वल टू बोथ आर नॉट सेम है यहाँ पर तो हमें यहाँ पर बताया गया थ्योरम में कि देयर इज एन एटलीस्ट वन नंबर सी बिटवीन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो अगर आप एफ ऑफ ए और एफ एफ बी के सेंटर पे आओ तो सेंटर पे ये वो के पॉइंट है जो मुझे मिल रहा है अब एटलीस्ट का मतलब यह था कि कुछ फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो इस तरह से ना हो। करो कि एक कुछ यूं जा रहा होता है एटलीस्ट वन को फॉलो तो कर रहा है मोर देन वन के यहाँ पर मौजूद हो इसका मतलब यह हुआ कि जब एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के दरमियान एक वैल्यूज कम से कम होगी तो उसका मतलब ये है कि इसके पर हमें मल्टीपल्स या एक कॉन्स्टेंट वैल्यूज भी मिलेगी जो कि ए और बी के दरमियान क्लोज इंटरवल पे एक्सिस करेगी ठीक है देखे जब मुझे ये के वैल्यूज मिली यहां पर तो के जितने पॉइंट्स यहां पर स्ट्राइक किया है इस फंक्शन पे उसके रिस्पेक्ट से मुझे वन

थर्टीन बर्थ डे एंड 5 फिट 7 इंच ऑन हर यानी 13 एंड उसमें ja 13 में 5 फिट है और 14 में 7 इंच का उसमें इजाफा हुआ एनी हाइट एच बिटवीन 5 फिट एंड फाइव फिट सेवन इंच जो डिफरेंस आया हमारे हाइट की वो दिखाया गया देर मस्ट टली एच यानी इन दोनों के दरमियान एक ऐसी ऐसा रेंज जरूर होगा टाइम के मुताबिक जहां पर इसकी हाइट एग्जैक्ट क्या होगी एच होगी सो दिस सेम रीजनेबल बिकॉज ह्यूमन ग्रोथ इज कंटिन्यूस एंड अ परसन हाइट ड एबूटली चेंज फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू यानी अचानक से उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही होती बल्कि कंटिनुअसली वैल्यूज़ की चेंजिंग आ रही होती है यही वजह है कि जो हमें रेंज दी गई है यानी फाइव फिट से लेकर फाइव बाई सेवन इंचज़ इसके दरमियान एक एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू ज़रूर होगी जो एग्जैक्ट एच के बराबर होगी जो कि फंक्शनस की कंटिनटी की या फिर उसके आ, Uh, मुसल चेंजिंग की ग्रोथ को बता रही होगी ऐसा नहीं होगा कि उसमें सडन चेंजिंग आ रही होगी ठीक है तो ये इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है एग्जाम्पल एंड अदर विजुलाइजेशन एग्जाम्पल अ फंक्शन दैट इज नॉट कंटिन्यूस नेसेसरली एग्जिबिट द इंटरमीडिएट वैल्यूज प्रॉपर्टी तो अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस uh, नहीं है तो वो हमेशा नहीं हो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो इंटरमीडिएट वैल्यू की प्रॉपर्टी को फॉलो करे फॉर एग्जाम्पल द ग्राफ ऑफ द फंक्शन शोन इन फिगर वन पॉइंट थ्री सिक्स दट्स वन जम्प ओवर दॉरिजोंटल लाइन गिवन बाई वाई के यानी जब फंक्शन की वैल्यूज यहां पर आ रही है इस पॉइंट पर अगर आप देखो ठीक है uh, या फिर आप इस पॉइंट पे देखो तो यहां पर जम्पिंग मौजूद है मौजूद yani, है एंड फॉर दिस फंक्शन देयर इज नो वैल्यू ऑफ सी इन ए कॉमा बी यानी इस फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं है वहां पर जहां सी मौजूद हो और सी ए और बी के दरमियान हो सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू के जैसे कि एफ ऑफ सी इक्वल टू के के होता है सो एफ इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन ए बी देर इज नो सी सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू के क्यों क्योंकि इसके दरमियान इस वक्त गैप मौजूद है जो यहाँ पर इस तरह से दिखाया जा रहा है तो अगर ये कंटिन्यू होता ज्वाइन होता तो यकीनी तौर पर यह आपका इनिशियल वैल्यू होती ये इसकी लास्ट uh, वैल्यू होती है और इनके दरमियान ये एग्जिस्ट करता जो कि यकीनी तौर पे पर क्या होता सी के बराबर होता है लेकिन क्योंकि ये थम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्यूरियम ऑफन कैन बी यूज टू लोकेट दीरोज ऑफ द फंक्शन दैट इज अंटीज इंटरवेल स्पेशली स्पेसिफिकलीफ एफ इज अंट ऑन ए बी क्लोज फॉर्म और एंड एफ ऑफ़ ए और एफ ऑफ बी डि एफ ऑफ जो फंक्शन है ए बी वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवेल में जबकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है डिफरेंट है साइन में सो दीडियट वैल्यू थियोरम गारंटीड एग्जिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट वन जीरो अगर वो फंक्शन इस बात पर बता रहा है कि एफ ऑफ ए और बी जो है डिफरेंट इन साइन पे तो अकॉर्डिंग टू द Value theorem, वो वैल्यूथ्यम करेगा इस बात की के एक कम, से कम ऐसी समझते हैं ये बात मजीद हमें क्लियर समझ पाएगी इंटरमीडियट वैल्यू थरम टू शोट दोलिनोम दिया गया इंटरमीडियट अपलाई करना है हैज अ जीरो इंटरवाल जबकि इंटरवल इंटरवल की वैल्यू जो है वो जीरो वन दी गई इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन होगा उसकी एक वैल्यू जीरो पे होगी और एक वन पर होगी ठीक है ये क्लोज uh, जिस इंटरवल पर भी बताया गया जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्लोज इंटरवल है तो यह फिल्ड वैल्यू के साथ होगा ओके नोट देट एफ इज अ कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवाल सो लेट सी अपलाइंग द डायरेक्ट वैल्यूज जैसे कि लिमिट में हम अप्लाई करते हैं तो अगर मैं एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस वन पर जीरो डायरेक्ट अपलाई करूँ यानी जीरो को तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस वन जबकि जब मैं वन अप्लाई कर रहा हूँ तो वन अप्लाई करते वक्त इसकी वैल्यू आ रही है टू तो इसका मतलब ये हुआ कि एट इनिशियल वैल्यूज जब ये जीरो पे अप्लाई हो रही है तो जीरो पर इसकी जो कंटिन्यूटी uh, वैल्यू आ रही है वो माइनस वन आ रही है तो मैं कह सकता हूँ जीरो माइनस वन एक्स एंड वाई की वैल्यू जबकि टू जहाँ पर वैल्यूज़ आ रही है अगर आप देखो यहाँ पर तो वो है वन कॉमर टू पर यानी जब मैं वन अप्लाई कर रहा हूँ तो वो टू प्रोड्यूस करके दे रही है तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया ठीक है और ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया यही चीज़ हम देखते हुए आ रहे हैं ठीक आप एफ ऑफ ए कह लें एफ ऑफ बी कह लें वट एवर जिस तरह से भी अप्लाई कर रहे हैं तो इट फॉलोज नेगेटिव एंड एफ ऑफ इज पॉजिटिव तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन की चेंजिंग आई जैसे यहां पर प्रॉब्लम पे अभी बताया गया था सो यू कैन देयर फोर अपलाई द इंटरमीडिएट वैल्यू थियरम टू कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी सम समी इन जीरो वन सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो यानी यहाँ पर कम से कम एक वैल्यू जरूर होगी जो आपको जीरो वैल्यू एक्सट करके दे रही हो और उसकी आसान सी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हमने फंक्शन को प्लॉट किया तो उसकी दो वैल्यूज हमें मिल गए यहाँ पर फंक्शन वन और फंक्शन टू और इनके दरमियान पर ये वो पॉइंट है अगर आप इस चीज को देखो ऑरिजन पे तो दोनों वैल्यू जीरो होती है और ये वो स्पेसिफिक एरिया जो आपके एक्स एक्सेस को कट कर रहा है और जब ये एक्स एक्सेस को कट कर रहा है तो इस वक्त यहाँ पर वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी जीरो होगी जिसे सी ऑफ जीरो से रिप्रेजेंट किया गया एंड दैट इज सेट टू बी योर आंसर ऑन द क्लोज इंटरवल जीरो वन

ये यहाँ इसकी लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी बल्कि ये ज़ीरो के फॉर्म पर कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो जीरो आना ही चाहिए यानी जीरो पॉइंट जीरो हो जाएगा अगर इस फंक्शन को मैं पॉजिटिव टू के रिस्पेक्ट से देखूँ तो जब हमने डायरेक्टली पॉजिटिव टू अप्लाई किया तो वन आ रहा है लेफ्ट साइड लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ तो भी माइनस वन आ रहा है लेकिन सिंपली अगर मैं टू अप्लाई कर रहा हूँ तो सिंपली टू के रिस्पेक्ट से यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही है वो डजन एग्जिस्ट आती है इस ब्याह पर जब मैं इसे प्लॉट करता हूँ तो यहाँ पर प्लॉटिंग भी दिखाई जा रही है जैसे कि माइनस टू पर ये वैल्यूज़ है बाकी डिफरेंट वैल्यूज़ पर वैल्यूज़ uh, जो है वो चेंज आ रही है जबकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रीवियस एग्जाम्पल से डिस्कस कर रहे हैं वो है नेगेटिव ऑन पॉजिटिव साइन जो कि हम यहाँ पर भी यूज़ होता हुआ देख रहे हैं तो उसका मतलब है कि यहाँ पर इस फंक्शन में भी एक ज़रूर एक ऐसी वैल्यू मिल सकती है जो जीरो एक्जिस्टेंस पर मौजूद हो सो वट इज द डोमेन फॉर इच राइट इट इन द इंटरवल नोटेशन हमें डोमेन uh, बताना है इंटरवल नोटेशन के बिहाव पर तीन फंक्शंस हमें दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन तो इंटरवल नोटेशन पर अगर मैं लिखूँ तो एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होना चाहिए ताकि इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके इस बिहाफ पर एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री होगा क्योंकि ये नेगेटिव है तो उस तरफ चला जाएगा तो बिहाफ ऑफ दिस मैं कह सकता हूँ कि ये थ्री कॉमा uh, इन्फिनिटी को फॉलो करेगा जबकि क्लोज एंड ओपन इंटरवल के साथ होगा ठीक है जैसे कि ये क्लोज इंटरवल है ठीक है और ये ओपन इंटरवल है तो हम की तरफ चले जाएंगे एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो जब यहाँ चला गया तो बिहाफ ऑफ दिस हम दो तरह के लिमिट्स से यहां पर अप्लाई होता हुआ uh, के साथ माइनस इन्फिनिटी टू थ्री एंड थ्री कॉमा इन्फिनिटी के बिहाफ पर थर्ड वन टू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री यही पार्ट को डेनोमिनेटर पे यूज किया गया है यहां पर तो x माइनस थ्री इज ग्रेटर दैन जीरो जीरो नहीं होना चाहिए जीरो से अलावा होना चाहिए थ्री को उस तरफ लेके गया तो ये ग्रेटर देन थ्री हो गया तो ओपन इंटरवल पे इंटरवेल परमा इंफिनिटी जो होगा वो इसका डोमेन होगा इन अ फॉर्म ऑफ दी इंटरवल नोटेशन होप होपी अंडरस्टैंड सो दिस ऑल अबाउट दी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इन द फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन और द थ्योरम प्रस्पेक्टिव विद एग्जांपल होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दैट नेक्स्ट uh, सेशन पे जाएंगे तो हम चैप्टर वन लिमिट्स का लास्ट सेशन कवर करेंगे जिसमें हम इन फाइनाइट लिमिट्स और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे फिर भी कोई सवाल है कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो कमेंट सेशन पर मुझे जरूर बताएं कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर्वक जवाब दे सकूँ वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हम मल्टीपल सेशंस पर मल्टीपल चीज़ों को इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि हर टॉपिक को समझना विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल हमारे लिए आसान रहे ताकि इन फ्यूचर हम किसी भी तरह के मॉडल्स की कॉम्पिटन पावर को देख रहे हो या उसके मॉडल के बिहाइंड मैथ्स को देख रहे हो तो उसे हमें समझना हमारे लिए आसान हो कि यहाँ पर किस तरह के लॉजिक को विद रिस्पेक्ट टू द लिमिट इस्तेमाल किया जा रहा है फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं इसी तरह से जुड़े नजारा लोगों को शेयर करते हुए ताकि इसी तरह की मोटिवेशन रहे और अकॉर्डिंग टू द योर रिक्वायरमेंट काम मैं करता रहा हूँ नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं सी